subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आप देख रहे हैं ISN7 न्यूज बिजनौर से शुभम कुमार की एक खास रिपोर्ट। किसान समस्या निराकरण हेतु किसान हेल्पलाइन का उद्घाटन। जिला बिजनौर में श्री बीपी सिंह जोगदंड अपर पुलिस महानिदेशक महोदय पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश नोएडा अधिकारी जनपद बिजनौर के द्वारा थाना कोतवाली शहर बिजनौर में किसानों का सामान्य समस्या के लिए निराकरण हेतु किसान हेल्पलाइन का उद्घाटन किया। वहां पर मौजूद किसानों व्यक्तियों के साथ बातचीत कर उनकी समस्या सुनी गई। वे किसानों को भारत सरकार द्वारा पारित किया गया तथा उनकी समस्याओं को लेकर किसान हेल्पलाइन के बारे में बताया गया। इसी के साथ साथ 28 दिसंबर से ही जनपद के प्रत्येक थाने में किसान हेल्पलाइन सेवा प्रारंभ की गई है। श्री बीपी जोगदंड अपर पुलिस महानिदेशक महोदय पुलिस मुख्यालय नोएडा अधिकारी जनपद बिजनौर द्वारा जनपद के कलेक्टर ने बने इंटीग्रेटिव कंट्रोल रूम COVID-19 वे आपदा रूम की व्यवस्था का निरीक्षण किया गया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी महोदय व पुलिस अध्यक्ष महोदय जनपद बिजनौर भी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट बिजनौर से शुभम कुमार की। धन्यवाद। जनपद के समस्त थानों में यानी 22 थानों में किसान हेल्प डेस्क की शुरुआत किया है, जिसका उद्घाटन ADG साहब ने किया है। सभी थानों में इसकी शुरुआत आज से की गई है। इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी शासन की निर्देशों के अनुरूप मिशन शक्ति के तहत एक हेल्प डेस्क की शुरुआत है, उसका अलग से कक्ष भी बना है। इसका उद्देश्य सिर्फ ये है किसान हेल्प डेस्क का, जो किसानों की छोटी मोटी समस्याएं हैं, नाप जोख की या जैसे इसमें धान क्रय केंद्र वैसे जनपद में कम है, पूर्वांचल में ज़्यादा है। अगर कोई शिकायत आती है कि DM साहब की टीम तो काम कर रही है लगातार, फिर भी उसको लेकर के कहीं मारपीट हो गया, कोई घटतौली को लेकर के वाद विवाद हो गया, तो उसका अनुसरण पुलिस करती है। तो सभी थानों को निर्देशित कर दिया गया है कि आपकी जो भी समस्याएं होंगी, गन्ने से, धान से, खेत से, जमीन से, घर से, यहाँ तक कि लड़के लड़की का विवाद, पड़ोस से विवाद, केवल खेत का ही मसला नहीं है, आपकी जो भी समस्या होगी, मान लीजिए आप गए हॉस्पिटल में, आप दूर से आए बढ़ापुर के किसी गांव से, हॉस्पिटल में कोई बात हो गई या पंचायत नामा पोस्टमार्टम में कभी कभी डॉक्टर देर से पहुँचे, हर प्रकार की समस्याओं को सुनने के लिए हेल्प डेस्क पूरे थाने में है। नोडल अफसर बनाकर आपको भेजा गया बिजनौर जनपद में, क्या मकसद है? शासन के निर्देशानुसार हम जनपद बिजनौर में आए हैं। यहाँ जो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई कार्रवाइयाँ की जा रही है पुलिस द्वारा और प्रशासन द्वारा, जो व्यवस्थाएँ की जा रही है उसकी समीक्षा है। अभी मैं इस वक्त गंगा बराज पर आया हूँ। ये एक पॉइंट है जहाँ से आवागमन देखा गया है। जनपदीय पुलिस और प्रशासन द्वारा जो यहाँ पर रोकने के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही है, उसका भी वर्तमान में मैं निरीक्षण कर रहा हूँ। कल जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय और अन्य अधिकारियों से विस्तृत वार्ता हुई है, समीक्षा भी की है। आज और फिर हम बैठक करेंगे, जो व्यवस्था है उसमें और सुधार लाने का प्रयास।